हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद आरती गुप्ता। आज हम लोग देखेंगे एच जी वेल्स का बहुत इम्पॉर्टेंट वर्क द इनविजिबल मैन, जो कि साइंस फिक्शन भी है। ये पब्लिश हुआ था 1897 में। आपको जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज याद रखनी है वो ये है कि एच जी वेल्स ने इसमें एक एपिलॉग डाला हुआ है, लेकिन वो एपिलॉग इसके ओरिजिनल वर्जन में नहीं है। जो अमेरिकन वर्जन है उस पे एपिलॉग को इन्होंने इन्वॉल्व किया है। मोस्टली एच जी वेल्स ने साइंस फिक्शन ही लिखे हैं, दिस इज व्हाई ही इज ऑल्सो कॉल्ड द फादर ऑफ साइंस फिक्शन। देखते हैं आज स्टोरी में क्या है। ये है ग्रिफिन, ग्रिफिन जो कि एक साइंटिस्ट है यहाँ पे, और बाद में ये बहुत ज्यादा अपनी चीजों से परेशान भी हो जाएगा, इरिटेट भी होगा। जब स्टोरी स्टार्ट होती है तो हम लोग देखते हैं कि ये ग्रिफिन है और ये एक इन पे रहने आया है, आइपिंग इन। उस इन का नाम होता है आइपिंग इन, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, आइपिंग इन पे ये रहने आया हुआ है। ये जो आइपिंग इन है ये है वेस्ट ससेक्स में, ये यहाँ पे रहने आया है। इस टाइम इसका जो कपड़े हैं बहुत ही अजीब तरीके के इसने कपड़े पहने हुए हैं, अपने आप को पूरी तरीके से कवर करके रखा हुआ है, और एक आर्टिफिशियल पिंक नोज इसने लगाई हुई है। और जब ये आया है तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा स्टॉर्म आ रहा है, तो ये क्या करता है, वहां से आके इस आइपिंग इन पे रुक जाता है। ये जो आइपिंग इन के ओनर होते हैं वो होते हैं मिस्टर हॉल एंड मिसेस जेनी हॉल। ये उसको कहते हैं कि तुम परेशान मत हो, तुम यहाँ पे आराम से रुक सकते हो, बस तुम इसके बदले तुम मुझे जो भी पे करना हो तुम मुझे पे कर देना। तो ये बोलता है ठीक है। ये ग्रिफिन इनके इन पे जाके रुक जाता है, लेकिन ये एक बहुत ही मिस्टीजियस कैरेक्टर होता है, क्योंकि ये अपने आप में ही इन्वॉल्व होता है, बहुत रिजर्व नेचर में होता है, किसी से बात नहीं करता है, जिसकी वजह से उस गांव में बहुत ही ज्यादा र्यूमर फैल जाता है कि कोई ये अजीब इंसान है, ये क्या करने आया है, ये किसी से बात नहीं करता है, किसी से निकलता है किसी से बात नहीं करता, अपने रूम से पूरे दिन बाहर नहीं निकलता है, ये एग्जैक्टली अकेले करता क्या रहता है। लेकिन इसको इस चीजों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। एक दिन ये क्या करती है कि ये अपने रूम पे होता है, तो जो मिसेज जेनी हॉल होती हैं वो इसको बोलती हैं कि तुम मुझे रेंट दो, नहीं तो तुम यहाँ से छोड़ के चले जाओ। और ये तो जो ग्रिफिन होता है ये तो टोटली आउट ऑफ मनी होता है। अब ये क्या करे, उस टाइम पे उस गांव में बहुत ज़्यादा चोरियाँ भी हो रही हैं, बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो कोई समझ नहीं पा रहा कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। तो ग्रिफिन क्या करता है, मिसेज जेनी हॉल के रेंट से बचने के लिए अपने क्या करता है, उसने एक केमिकल एक्सपेरिमेंट किया होता है, जिसमें कि अगर आप उसको पी लेंगे, आप उसको अपने ऊपर यूज करेंगे, तो आप क्या हो जाएंगे, इनविजिबल हो जाएंगे। तो ये सोचता है कि अगर मैं इनविजिबल हो जाऊंगा तो मुझे रेंट नहीं देना पड़ेगा, तो ये इनविजिबल हो जाता है और ये उसका रेंट नहीं देता है, वहां से गायब हो जाता है। जब गायब हो जाता है तो अब ये चीज़ों के लिए बहुत परेशान हो रहा है, इसको स्टोर से खाना चुराना पड़ता है, अपने लिए थिएटर से ये कपड़े भी चुराता है, लेकिन ये क्योंकि रिवर्स नहीं हो पा रहा है। रिवर्स मतलब ये इनविजिबल तो हो क्या, लेकिन अगेन ये ह्यूमन कैसे बने, ये चीज़ ये नहीं कर पाता है। इस चीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा इरिटेट होता है। एक दिन इसको मिलते हैं थॉमस मार्वेल। थॉमस मार्वेल यहाँ पे एक ट्रैम्प होते हैं, तो थॉमस मार्वेल को बोलता है कि तुम मेरे असिस्टेंट बन जाओ, और जबरदस्ती उसको असिस्टेंट बना लेते हैं, जबकि पहले वो मना करते हैं, लेकिन ये बहुत फोर्सफुली उनको अपना असिस्टेंट बना लेता है। असिस्टेंट बनने के बाद थॉमस मार्वेल इसकी सारी चीजें जानते हैं कि ये क्या क्या कर रहा है, क्या क्या नहीं कर रहा है। तो थॉमस मॉर्वेल जाके क्या करते हैं, पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं, जाके ग्रिफिन के बारे में बता देते हैं कि एक ऐसा मैन भी है जो कि इनविजिबल हो गया है, ये सारी चीजें। तो पुलिस क्या करती है, ग्रिफिन को पकड़ने आती है। ग्रिफिन को पकड़ने आती है तो ग्रिफिन इस चीज से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि ये मॉर्वेल ने मेरे साथ ये बिट्रियल क्यों किया, मुझे धोखा क्यों दिया। तो ये क्या करता है, इसके थॉमस मॉर्वेल के पीछे पीछे भागता है। थॉमस मॉर्वेल बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा के एक इन पे जाके रुक जाता है, और फिर दूसरे दिन पुलिस वालों के पास जाता है और उनसे बोलता है कि आप ऐसा करो मुझे जेल में बंद कर दो विद हाई सिक्योरिटी, क्योंकि मुझे ग्रिफिन से बहुत ज्यादा डर लग रहा है, कहीं भी आ जा सकता है, वो कुछ भी कर देगा वो यहाँ पे। तो यहाँ पे ये चल रहा होता है। उसके बाद ग्रिफिन को एक दिन मिलते हैं डॉक्टर कैंप। डॉक्टर कैंप जो कि इसके जान पहचान के इसके एक्वेंटिस होते हैं, तो ये इनसे मिलता है। डॉक्टर कैंप को ये बताता है, क्योंकि डॉक्टर कैंप को तो पहले से पता होता है कि ये मेडिकल स्टूडेंट होता है,
तो फिर ये बताता है गिरफिन अपनी पूरी स्टोरी कि मैंने क्या किया, मैंने मेडिकल की प्रैक्टिस छोड़ के मैंने ऑप्टिक्स में अपना पूरा ध्यान दिया क्योंकि मैं केमिकल के साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहता था। किस तरीके से जब मैंने सबसे पहले ये इनविजिबिलिटी का जो फॉर्मूला बनाया उसको सबसे पहले मैंने अपने पड़ोस में एक लोग रहते थे उनकी बिल्ली के ऊपर अप्लाई किया था। जब वो एग्जैक्टली सक्सेसफुल हो गया तब मैंने इसको अपने ऊपर अप्लाई किया। अब मैं अप्लाई तो मैंने कर लिया लेकिन अब मैं रिवर्स नहीं हो पा रहा हूँ। ये बात डॉक्टर कैंप को बताता है। डॉक्टर कैंप से बोलता है कि चलो हम दोनों लोग प्लानिंग करते हैं, उस प्लानिंग के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं एक रेन ऑफ टेरर स्टार्ट करते हैं। रेन ऑफ टेरर का मतलब इधर ये है कि डर का माहौल पैदा करते हैं, उससे हम लोग बहुत सारी चीजें कर पाएंगे, लोगों के साथ ट्रिक करेंगे, लोगों को परेशान करेंगे। ये सारी चीजें डॉक्टर कैंप को यहाँ पे बताता है। डॉक्टर कैंप पहले तो इसको हाँ कर देते हैं लेकिन फिर अथॉरिटी को क्या करते हैं इन्फॉर्म कर देते हैं कि एग्जैक्टली गिफिन के यहाँ पे है और वो क्या चाहता है। जब ये बात ग्रिफिन को पता चलती है तो ग्रिफिन डॉक्टर कैंप को बोलते हैं कि उस रेन ऑफ टेरर का पहला मर्डर तुम्हारा ही होगा, उसके पहले टारगेट तुम ही बनोगे, जबकि इसके पहले वो एक मर्डर कर चुका होता है। मर्डर कब कर चुका होता है, जब वो टॉमस मॉर्वेल का पीछा कर रहा होता है तो उस टाइम पे गिफिन एक फ्लोटिंग पाइप लिए हुए है, एक फ्लोटिंग पाइप लिए हुए है। तो एक गांव वाले क्या करते हैं उस फ्लोटिंग पाइप का पीछा करते हुए एक बुश के पास, मतलब एक अजीब सी खाड़ी होती है वहां पे कांटों के पास तक पहुंच जाते हैं, इसका पीछा करते हुए ग्रिफिन का पीछा करते हुए। और वहीं पे जो ग्रिफिन होता है वो जो आदमी इस फ्लोटिंग पाइप का पीछा कर रहा होता है वो उसको मार देता है ग्रिफिन वहां पे। इस तरीके से पहला मर्डर वो कर चुका होता है। अब डॉक्टर कैंप से बोलता है कि तुम ही रेन ऑफ टेरर के पहले टारगेट बनोगे। तो डॉक्टर कैंप एक लेटर लिख के भेजते हैं अथॉरिटी के पास अपने सर्वेंट से कि तुम जाके ये लेटर अथॉरिटी को दे दो, जिससे ये पता चल जाए कि हम लोगों ने क्या प्लानिंग की है और हम लोग किस तरीके से गिरफिन को हम लोग पकड़ेंगे, ठीक है। लेकिन गिरफिन क्या करता है उसके सर्वेंट से वो लेटर चुरा लेता है, उसको पता चल जाता है कि डॉक्टर कैंप भी मेरे साथ क्या कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं। अब तो ग्रिफिन गुस्से से आग बबूला हो चुका है, अब तो उसको बदला लेना ही लेना है, वो क्या करे। तो वो क्या करता है कि डॉक्टर कैंप के ऊपर अटैक करता है। इसके पहले एक स्कॉटलैंड यार्ड से एक इंस्पेक्टर आता है, स्कॉटलैंड यार्ड का एक इंस्पेक्टर आता है इसकी हेल्प करने के लिए डॉक्टर कैंप की, लेकिन ग्रिफिन उसको भी क्या कर देता है शूट कर देता है और उसको वाउंडेड कंडीशन में छोड़ देता है। यहाँ पे डॉक्टर कैंप के ऊपर अटैक करता है तो डॉक्टर कैंप भागते भागते गांव की तरफ भागते हैं। गांव में बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो जाती है और ये जो ग्रिफिन है इसने ऊपर से शॉल ओढ़ा हुआ होता है, तो वो लोग क्या करते हैं पूरी भीड़ इसको शॉल के थ्रू, शॉल एक हिंट होता है, उनके थ्रू ग्रिफिन को यहाँ पे पकड़ लेते हैं और ग्रिफिन को वहीं पे पीटने लगते हैं। और ग्रिफिन वहां पे शाउट करता है मर्सी मर्सी मर्सी, उफ अब क्या करें, अब तो उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब यहाँ ग्रिफिन मर्सी मर्सी चिल्ला रहे थे, डॉक्टर कैंप उस मॉब को उस भीड़ को रोकते हैं और कहते हैं कि रुक जाओ, ये इसने मेरे पर अटैक जरूर किया लेकिन हम लोग इसको छोड़ देते हैं। अब जब डॉक्टर कैंप के कहने की वजह से गांव वाले ग्रिफिन को छोड़ देते हैं तो थोड़ी देर में ये देखते हैं कि ग्रिफिन धीरे धीरे अपनी ओरिजिनल बॉडी में वापस आ रहा है, लेकिन उसकी बॉडी बुरी तरीके से खराब हो चुकी है क्योंकि लोगों ने इतनी बुरी तरीके से मारा जो था उसको। यहाँ पे ग्रिफिन के सबसे पहले हाथ आते हैं, फिर धीरे धीरे पैर बनते हैं और आफ्टर सम टाइम वी सी दैट कि उसकी पूरी बॉडी विजिबल हो जाती है, लेकिन विजिबल होने के साथ साथ उसकी बॉडी नेकेड कंडीशन में भी होती है। तो यहाँ पुलिस वाले आते हैं और शाउट करते हैं कि इसके ऊपर कपड़ा डालो, और यहाँ पे ग्रिफिन के ऊपर कपड़ा डाल दिया जाता है और ग्रिफिन की यहाँ पे डेथ हो जाती है और यहीं पे ये स्टोरी खत्म हो जाती है। अब आता है एपिलॉग। एपिलॉग जो कि एचजी वेल्स ने अपने अमेरिकन एडिशन में इन्वॉल्व किया था, उसमें दिखाते हैं कि ये जो एंड्री मॉर्वेल है ये अब एक इन चला रहा है, इन चला रहा है, और किस नाम से इन चला रहा है, ये चला रहा है द इनविजिबल मैन इन, और उसका ये ओनर भी है। और इस टाइम मॉर्वेल के पास बहुत सारी मनी होती है लेकिन कोई ये नहीं जानता है कि वो मनी एग्जैक्टली किसकी है, कहाँ से आई है, और ये एग्जैक्टली मनी वही होती है जो कि ग्रिफिन
पूरे गांव में चोरी कर रहा था, पैसा इकट्ठा कर रहा होता है, क्योंकि एक दिन मार्वल जाता है ग्रिफिन के गांव में, तो वो सारा पैसा इकट्ठा कर लेता है और वो 3 नोटबुक्स भी ले आता है, जो कि जिसमें कि ग्रिफिन ने सारे अपने एक्सपेरिमेंट लिखे हुए होते हैं। और यहीं पे ये नॉवेल खत्म हो जाती है, इनविजिबल मैन। आई एम श्योर कि आपको ये नॉवेल बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।